मैंने आपको कहा है, शेविंग करने की जगह बाथरूम में, यहाँ बाहर कमरे में नहीं। चलिए अभी से बाथरूम। मैंने आपको कहा है, शेविंग करने की जगह बाथरूम में, यहाँ बाहर कमरे में नहीं। चलिए अभी से बाथरूम। मैंने आपको कहा है, शेविंग करने की जगह बाथरूम में, यहाँ बाहर कमरे में नहीं। चलिए अभी से बाथरूम। मैंने आपको कहा है, शेविंग करने की जगह बाथरूम में, यहाँ बाहर कमरे में नहीं। चलिए अभी से बाथरूम। वो एक फ्लैशबैक का सीन है, क्योंकि जब कुछ कुछ ऐसे टाइम आते हैं, मोमेंट्स आते हैं जहाँ पे अभय की देखभाल करनी होती है, तो वही दिखाया जा रहा है कि अभय कितना केयरलेस था अपने, कहते ना कि जब जब वो अपने में रहता था तो कितना केयरलेस था, हर चीज़ को बस अपनी मर्जी के अनुसार करता था। और श्रद्धा को गुस्सा भी आता था, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनी ही मनमानी में श्रद्धा को भी मना लेता था। तो वही सारे वो जो मोमेंट्स है वो याद करके श्रद्धा इमोशनल हो रही है, मिस भी कर रही है कि मतलब मैं आपको डांटती थी कि आप ऐसा मत करो, लेकिन प्लीज़ जो भी करना है आप करो, बस उठ जाओ, बस ठीक हो जाओ। तो वो एक फ्लैशबैक का सीन था। यही तो सीन है कि सब परेशान है कि कीर्ति जो इतनी चुलबुली है, किसी की नहीं सुनती है, सब अपने मर्जी की चलाती है। वो कभी कहते हैं ना कि उतना ज़्यादा वो डिसिप्लिन में नहीं रह पाती है, उसको सिर्फ अपनी मर्जी की करनी है। तो अब वो एक ऐसे जगह पे जा रही है जहाँ पे डिसिप्लिन डेकोरम ही एक सबसे प्रायोरिटी पे होता है, तो सब उसी के लिए चिंतित हैं कि कभी किया नहीं है कि तो कर पाएगी नहीं कर पाएगी। तो वो एक डर है, वो एक कहते ना एक केयर है कि कीर्ति को तो हमने आज तक संभाल लिया, अब आगे पता नहीं वहाँ पे वो उसको कोई होगा संभालने के लिए या नहीं। तो वो एक वो उस लेवल का इमोशन था। अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर मिले तो वो मेरा पहला अवार्ड होगा, मेरे 6 साल के करियर का एक पहला अवार्ड होगा। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अगर मिले तो आई विल बी वेरी हैप्पी, इफ आई डिजर्व इट देन ऑब्वियसली नथिंग बेटर देन दैट। तो देखते हैं, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, आई एम माई सेल्फ लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, लेट्स सी क्या होता है। थैंक यू।